हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाणी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे क्लरिता, जिसका पोस्ट कोड था 918। ये एग्जाम आज ही कंडक्ट हुआ है, यानी कि 12 दिसंबर 2021 को। सबसे पहले हम इसकी कंप्यूटर सेक्शन देखेंगे, उसके बाद इसकी बाकी सेक्शंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 142 इज, इन एमएस वर्ड टेबल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, ऑप्शन हैं स्पेल चेकर, टेबल, ओपन टेबल या फिर सो टेबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टेबल। मेरे पास सीरीज बी है, अगर आपके पास कोई और सीरीज भी होगी तो आप वहां से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस सेम ही होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, मूविंग अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर कैन बी डन बाय, यानी कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ऑप्शंस हैं ओपन ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल देन कट, सिलेक्ट कट एंड पेस्ट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सिलेक्ट कट एंड पेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 145, वेयर आर डॉक्यूमेंट्स दैट यू प्लेस ऑन गूगल ड्राइव स्टोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इन द क्लाउड। नाउ क्वेश्चन नंबर 146, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर अवेलेबल इन वर्डपैड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज वर्डपैड, यानी कि वर्डपैड क्या है। तो वर्डपैड है एक टेक्स्ट एडिटर, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन वर्डपैड, यानी कि वर्डपैड में अधिकतम जूम साइज क्या है। तो ये है 500, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 149, इन वर्ड पैड होम एंड व्यू इज कॉल्ड, वर्ड पैड में होम और व्यू क्या कहलाते हैं। तो ये होते हैं टैब, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टैब। क्वेश्चन नंबर 150, इन एमएस वर्ड इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट, यानी कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार से डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 151, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज .docx docs। क्वेश्चन नंबर 153, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज, तो वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 154, इन एमएस वर्ड प्रेसिंग 58 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट, क्योंकि एमएस वर्ड में F8 की 3 बार दबाकर क्या सिलेक्ट होता है। तो ये होता है सेंटेंस, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 155, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। 156, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, यानी कि इनमें से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है। तो वो है ऑप्शन सी, दैट इज सेंटर। क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन एमएस वर्ड। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज क्लोज। अब क्वेश्चन नंबर 158, विच इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन एमएस वर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लूजली। नाउ क्वेश्चन नंबर 159, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइप अ बायोग्राफी। 160, विच इज नॉट एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन, यानी कि मेल मर्ज ऑपरेशन को संपन्न करने के लिए कौन सा आवश्यक अवयव नहीं है। तो वो है ऑप्शन डी, दैट इज वर्ड फील्ड्स। नाउ 161, Which of the following are word processing softwares? तो ये सभी word processing softwares हैं, जो word perfect है, easy word या फिर MS word है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। 162, cursor control commands allow the user to, यानी कि जो cursor control command है वो यूजर को किसकी अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 163, एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज, यानी कि ब्लॉक मूव ऑपरेशन का उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण है कट एंड पेस्ट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 164,
which allows you to reuse a portion of text several times in a document. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ब्लॉक एंड कॉपी. क्वेश्चन नंबर 165, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड. तो ये सभी पेजेस पे होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑन एवरी पेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 166, जो कंप्यूटर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है वो है, वट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, यानी कि मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है. तो वो है ऑप्शन सी, दैट इज शिफ्ट प्लस एंटर. तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन पेपर की बाकी सेक्शंस भी शेयर करूंगी. तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. और अगर आपको लगता है कि इसमें से मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, वहां पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर.